Dear learner, let's start GST management in Tally Prime. Starting with company creation option. GST implement करने से पहले definitely हमें अपना company database Tally Prime में create करना होगा. तो main motto इस video का ये है कि Tally Prime में हम data create करते वक्त क्या-क्या options को enable या disable करेंगे. या फिर अगर आपने टैली प्राइम में ऑलरेडी डेटा क्रिएट कर रखा है आपकी कंपनी में तो आपको कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर कैसे मैनेज करने हैं इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप अगर हमने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप नहीं किया तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फेस मेनी चैलेंजेस इन टैली प्राइम या फिर टैली प्राइम ही हो क्यों ना हो या फिर टेलीआरपी लाइन ही क्यों ना हो तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कंपनी नेम हो गया प्राइमरी एड्रेस फिर वहाँ का जी एस टी सेकेंडरी एड्रेस फिर कॉन्टैक्ट नंबर फिर मेल आई डी ये ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है तो यही जो अपना डेटा बेस है यही कंपनी है इसी कंपनी में हम सारी एंट्रीज जो आने वाले सारी एंट्रीज है वो इसी कंपनी में हम रिकॉर्ड करेंगे तो चलिए ये कंपनी हम कैसे क्रिएट करेंगे टेली प्राइम में वो देखते हैं कंपनी नेम इज द समद एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड तो ये रहा अपना टैली प्राइम यहां पर मल्टीपल ऑप्शन करते हैं क्रिएट कंपनी ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है लोकेशन ऑफ डेटा पाथ यानी कि डेटा फोल्डर किस स्टोर में स्टोर होगा वहां पर हमें चेंज नहीं करना है यह आ जाएगा द सम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड फिर यहाँ पे कंपनी नेम एंड मेलिंग नेम दोनों में डिफरेंस है कंपनी नेम एक्चुअल में आप कंपनी का शॉर्टकट नेम रख सकते हो कोई निक नेम रख सकते हो जैसे कि कंपनी का नाम कोई बहुत बड़ा है तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म में भी नाम रख सकते हो तो इससे क्या होता है कि कंपनी नेम जो होता है आप जब टाले प्राइम ऑन करोगे या टाले ए आर ऑन करोगे तो वहाँ पर लिस्ट डाउन में वो कंपनी नेम ही आपको डिस्प्ले होता है और मेलिंग नेम क्या होता है मेलिंग नेम एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यही नेम जो एक्चुअल में आपका बिजनेस का नाम है और यही नाम आपका सारा का सारा जितने भी रिपोर्ट्स हैं आपके जितने भी वाउचर्स हैं आपके सारे के सारे जो रिपोर्ट्स वाउचर वहां पर ये प्रिंट होता है मेलिंग नेम तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कंपनी नेम और मेलिंग नेम प्रॉपर रखो सो दैट अकॉर्डिंगली आप उसको बुक्स को मैनेज कर सको अब बात करते हैं एड्रेस तो एड्रेस अपना प्राइमरी एड्रेस मुंबई का हम लोग लेते हैं हमारा जितना भी एड्रेस होगा प्राइमरी मुंबई का ही होगा तो हमारा जितने भी एंट्री हम आगे चल के रिकॉर्ड करने वाले हैं बाय डिफॉल्ट हमारे सप्लायर ने जितने भी नॉइस रेज किए रहेंगे हमें वो इसी एड्रेस पे रेज किए रहेंगे हालांकि ये अपना मुंबई का एक्चुअल एड्रेस है मोना शॉपिंग सेंटर जेपी रोड अंधेरी वेस्ट ये हमारा एक्चुअल रियल एड्रेस है और ये हो जाएगा आपका मुंबई सो so, आप देखो एड्रेस को जो है मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो वन टू थ्री लेकिन आप ट्राई करो कि तीन से ज्यादा लाइन आप एड्रेस में या ना यूज करो बिकॉज होगा क्या कि अगर आप मल्टीपल लाइन यूज करोगे तो डेफिनेटली ये जो लाइन है यही चीजें प्रिंट होंगी आपके एड्रेस बार में और वहां पे इनवॉइस पे हो सकता है एड्रेस क्रंच हो जाए फिर आता है स्टेट स्टेट हमारा महाराष्ट्र कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया बात बाई इंडियन टैक्सेशन फॉलो करना है तो हम कंट्री इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे पिन कोड टेलीफोन टेलीफोन नंबर यहाँ पे मैं एक डमी टेलीफोन नंबर एंटर करता हूं मोबाइल नंबर ये मेरा मोबाइल नंबर और यहां पर हमारा ईमेल आईडी आप ईमेल आईडी जो भी है यहाँ पे आपकी कंपनी का एंटर कर सकते हो सो so, ये वेबसाइट हमारी तो ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ रही है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके जो रिपोर्ट्स है वहां पर डेफिनेटली प्रिंट होंगी आप चाहो तो इसमें से एड्रेस छोड़ सकते हो ये कॉन्टेक्ट डिटेल आप ब्लैंक छोड़ना चाहो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट थिंग इज दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिपोर्ट्स में प्रिंट होती हैं सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप uh, रिपोर्ट्स के प्रिंट के लिए अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करो फिर आता है और मार्च में एंड होता है, है। अप्रैल से स्टार्ट होगा अगर मार्च में एंड होता है तो ये अपना फाइनेंशियल ईयर कहलाता है तो क्या हमारा फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग पीरियड सेम होता है हो सकता है सेम हो लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 2020 से लेकिन आपका बिजनेस आपकी कंपनी की शुरुआत मई 2020 से हुई अगस्त 2020 से हुई तो आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना होता है कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो अगर ये नया बिजनेस है तो ही उस केस में होगा अगर नया बिजनेस नहीं है अब आपका बिजनेस कंटिन्यू होते चला आ रहा है जैसे कि आपने मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते थे या किसी और सॉफ्टवेयर में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते थे तो डेफिनेटली आपका बुक्स बुक्स बिगनिंग पीरियड और बिगनिंग अपना फाइनेंशियल बिगनिंग फ्रॉम सेम होगा अगर नया बिजनेस है तो मेक श्योर की आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा टैली टेलीवोल्ड पासवर्ड हम यूज नहीं करेंगे सिक्योरिटी पासवर्ड यानी कि नॉर्मल लॉग इन पासवर्ड भूल जाते हैं, तो हम उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं इनेबल टेली ऑडिट फीचर टैली ऑडिट फीचर एक फीचर है डिफॉल्ट टैली का जिसमे हम ये ट्रैक कर सकते है कि हमारे जो टैली यूजर है जैसे की यहाँ पे ये एडमिन लॉग है एडमिन लॉगिन के अलावा भी तीन या चार और भी टैली यूजर हो सकते हैं से मिस्टर 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 ए बी सी मिस्टर डी अब मिस्टर ए ने कौन सी एंट्री क्रिएट की मिस्टर बी ने कौन सी एंट्री क्रिएट की अगर आप चेक करना चाहोगे कि ये एंट्री किसने क्रिएट किया फिर इसको किसने ऑल्टर किया तो वो ट्रैक करने के लिए आपको फीचर दिया हुआ है इनेबल टैली ऑडिट फीचर अगर मैं इसे यस yes कर लेता हूँ हालांकि मैं यूज नहीं करूंगा बिकॉज सारा का सारा एक्टिविटी हम एडमिन के लॉग से ही परफॉर्म करेंगे बट एज ए बेसिस के तौर पे हमने डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड ये फीचर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा टैली का डाटा विदाउट लाइसेंस टैली में ऑन नहीं होना चाहिए तो अगर इस ऑप्शन को यस रख दोगे तो क्या होगा कि आपका डेटा विदाउट लाइसेंस वर्जन टैली के ये ऑन नहीं होगा तो मैंने इसको नो रखा बाद में करेंसी सिंबल आई का सिंबल रुपीज का सिंबल ये ये सब चीजें आपको आपको है है ये ये कर देना है आपको सेव सेव होते ही आपसे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड लॉग इन पासवर्ड एंटर करते हैं अब ये हमारा टैली जो है वो क्रिएट हो चुका है यानी डेटा क्रिएट हो चुका है तो आप डेटा जैसे ही फ्रेश क्रिएट करोगे आपके टैली प्राइम में तो वो आपसे कंपनी का फीचर सेटअप यानी कि इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फीचर इन्वेंटरी फीचर फीचर जो टैली टेलीआरपी में अलग अलग हुआ करते तो वो आपसे सेट करने के लिए टैली प्राइम सबसे पहले यही पूछ लेता है लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं पूछा तो आपको क्या करना है जीएसटी रिलेटेड सेटअप करने के लिए आपको यहाँ से कंपनी इन्फो ऑप्शन दिया हुआ है फीचर अब फीचर में यहाँ पे अकाउंट इन्वेंट्री टैक्सेशन फीचर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जगह पे सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंटिंग ये हो गया इन्वेंट्री और ये आ गया आपका टैक्सेशन फीचर बाय डिफॉल्ट आप जो भी कंपनी क्रिएट करते हैं टेली प्राइम में वहां पे जीएसटी इनेबल एक्टिवेट हो जाता है एंड एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि दैट इज आपका जीएसटी नंबर आपका रजिस्ट्रेशन टाइप आपका पीरियडिक रिटर्न आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है ये हो गया आपका महाराष्ट्र यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करते हैं तो चलिए जीएसटी नंबर यहाँ पे दे रखा है तो ये है ट्वेंटी सेवन ए बी सी एन तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ ए ए बी सी एन 6183 F1ze. हमें अपना जो करना करना है वो monthly file करना है है वो वो तो GSTR1 आप या फिर quarterly file कर सकते हो वो आपके requirement के ऊपर करता कि आपका टर्नओवर क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो ईवे बिल इनवॉइस डिटेल थ्रेश होल्ड एंड एडवांसिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे ऑप्शन हम वन बाय वन इनेबल करेंगे जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाएंगे सारे के सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करते जाएंगे उस टाइम पे ही हम सारे के सारे फीचर को वन बाय वन इनेबल करेंगे सो मैं यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन सेट करने के बाद इस पेज को मैं सेव कर देता हूँ ये हो गया आपका टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट With GST configuration के साथ। Now, we are ready with our data. हमारा data ready है। अब इस में जितने भी हैं हम वो देखेंगे इसी डेटा में और जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन है जो हमने टॉपिक वाइज लिस्ट कर रखा है सारे के सारे ट्रांजेक्शन भी इसी डेटा में देखेंगे तो आप ये मान के चलो कि जो भी इन्वॉइस हमारे सप्लायर ने रेज किए रहेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इस कंपनी और जो हमने जीएसटी नंबर मेंशन किया उस जीएसटी नंबर पे बाय डिफॉल्ट सारे इन्वॉइस आए रहेंगे यानी कि सारे ट्रांजैक्शन इसी कंपनी के जीएसटी नंबर पे होने वाले हैं तो कंपनी का एड्रेस क्या है महाराष्ट्र महाराष्ट्र यानी कि जो भी टैक्सेस अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो सी जी एस सी एस जी एस सी लगेगा अगर कोई महाराष्ट्र के बाहर का ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके इसमें आई जी एस सी लगेगा सो so, चलिए अब हम बाकी मास्टर सेट ऑफ वीडियो की तरफ चलते हैं थैंक यू